हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? दिस इज एम एन दिस साइड। तो आज सेटअप टूर की आप लोग बहुत टाइम से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सेटअप टूर। तो आज सेटअप टूर निकालने वाले हैं। और अगर सेटअप टूर आप लोगों को अच्छा लगता है तो कमेंट सेक्शन में भाई लोग जरूर बताना, ठीक है? और लाइक मार दीजिएगा वीडियो को। एम तो कुछ नहीं रखेंगे, लेट्स सी। चलो भाई फिर हेलो बोलो सबको, यूट्यूब फैम को हेलो बोलो। अभी मूड इसका खराब है, बाद में बात करते हैं। चलो गाइस सेटअप टूर की तरफ चलते हैं, आ जाओ। तो चलिए गाइस, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को कि मैं किस चीज में स्ट्रीम करता हूँ, वो चीज क्या है, क्या है वो चीज जिसमें मैं स्ट्रीम करता हूँ। तो आज ये गाइस दिखाता हूँ आप लोगों को सब कुछ। तो गाइस जैसे देख रहे हैं आप, ये मेरी स्क्रीन है, इस पे ही मैं स्ट्रीमिंग करता हूँ, इसी में हर चीज होती है। मेरे पास ड्यूअल मॉनिटर कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक ही मॉनिटर है। सब कुछ इसी में है, गेम्स वगैरह सब कुछ इसी में डरा हुआ है, सब कुछ इसी से खेलते हैं, इसी स्क्रीन पर आता है सब कुछ, ठीक है गाइस। और मेरे पास एक हेडफोन है गाइस, ये जो पीसी से कनेक्टेड है, सेनाइजर का, ये पीसी से ही कनेक्टेड है सिर्फ। और ये मेरा सेकंड हेडफोन जो फोन से कनेक्टेड होता है, एलगाटो से, एक तरीके से ऐसा भी कह सकते हैं। तो ये दोनों हेडफोन की काफी अच्छी साउंड क्वालिटी है, ज्यादा बेटर साउंड क्वालिटी पीसी वाले की है। और गाइस ये रहे दो स्पीकर मेरे स्टूडियो, बोल सकते हो स्टूडियो में काम कर आते हैं ये दोनों स्पीकर्स। एक ये है और एक वेबकैम लग रखा है मेरा यहाँ पर, जिससे मैं आप लोग मेरा फेस देख पाते हैं, मेरा सुंदर सा चेहरा इसी से दिखाई देता है गाइस। और एक राउटर ये रहा ऊपर, ये मेन राउटर है, इससे सब कुछ चलता है। और बाकी राउटर दो नीचे हैं यहाँ पर रखे हुए हैं। और गाइस ये रहा मेरा एक माइक जिसपे मैं बोलता हूँ और आपको गाने सुनाता हूँ, ठीक है? जो पसंद आते नहीं आते वो आप पे डिपेंड करता है, पर गाने इसी में गाता हूँ गाइस। ये रोड का माइक है, काफी अच्छा माइक है, कंडेंसर माइक बोलते हैं इसको, काफी अच्छा रिकॉर्ड होता है इसमें, काफी अच्छा साउंड क्लैरिटी कैप्चर करता है, बहुत अच्छा करता है। तो गाइस ये रहा ऊपर से। और मेरा सीपीयू जैसे देख सकते हैं आप, एनटेक का है, ये असेंबल करवाया गया, इसमें काफी चीजें डली हुई हैं। i7 प्रोसेसर है, जीपीयू है 8GB का और रैम है 32GB, तो काफी सही है, ठीक ठाक है, मतलब ठीक ठाक चल जाता है। 4-5 साल पहले बनवाया था। ये रहा सामने आप लोगों के मॉनिटर, और इस मॉनिटर पे ही जहाँ पे लिखा हुआ ए मैनेज लाइव, यहीं पे सब कुछ होता है गाइस। सब कुछ जो भी चीजें डलती हैं इसी से डलती हैं, सारी गेम्स वगैरह इसी पे खेली जाती हैं। और ये डेल का मॉनिटर है गाइस, फुल HD, जो अराउंड आपको 10K तक का पड़ जाएगा। काफी अच्छे इसके कलर्स हैं गाइस, अगर आप लोगों को ये खरीदना है तो मैं इसका लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और मेरे पास जो बाकी चीजें हैं वो हैं यामाहा के स्टूडियो मॉनिटर्स हैं गाइस, SHS-5, जो अराउंड मेरे को 30K के पड़े हैं। ये दोनों पेयर है, एक 15,000 का है तो दूसरा भी 15,000 का है, दोनों 30K के पड़े हैं। काफी अच्छा साउंड आता है इनसे स्टूडियो, क्योंकि ये स्टूडियो में यूज होते हैं, तो काफी अच्छा है ये। और जिससे मेरा फेस दिखाई देता है वो वेबकैम का नाम है Logitech C270 HD, जो कुछ आपको पड़ जाएगा अराउंड 2K तक का। तो और ये देता है 30 FPS, 720p पे चलता है गाइस, HD है, फुल HD नहीं है, तो ये सही है एकदम इस प्राइस में, तो बेस्ट है। तो गाइस ये रहा वो चीज़ जिससे मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुंच पाती है और आप लोगों से मैं कनेक्ट कर पाता हूं। इसी चीज़ की वजह से आप लोग मेरा गाना भी सुन पाते हैं, जो आप लोगों को काफ़ी पसंद आता है। तो गाइस इसका नाम है रोड NT2A, जो कुछ भैया ने खरीदा था गाइस ये अपनी रिकॉर्डिंग के लिए, कुछ उनको 30,000 तक का पड़ा था ये। तो भैया अपनी रिकॉर्डिंग करते थे, तो भैया आजकल रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे हैं, तो इस वजह से आजकल मैं इसको यूज़ करता हूँ। काफ़ी अच्छा माइक है गाइस, काफ़ी अच्छी इसकी कैप्चरिंग पावर है, बहुत अच्छी तरीके से कैप्चर करता है साउंड को, काफ़ी साउंड एकदम क्लियर आती है, एकदम मस्त एकदम, तो आप लोगों तक ऐसी पहुंचती है साउंड गाइस। तो इसका प्राइस, और गाइस अगर आप लोगों को ये देखना है तो इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया जाएगा, तो आप जरूर चेकआउट कर लेना इसको। तो गाइस ये रहे वो हेडफोन जिसपे मैं हर चीज, हर जो गेम खेलता हूँ सब इसी में सुनाई देता है गाइस। जब भी मैं इसको पहनता हूँ उसके बाद मेरे को हर एक साउंड एकदम एक एक चीज बहुत क्लियर सुनाई देती है गाइस। ये है सेनाइजर के HD 280 Pro, काफी तगड़े हेडफोन है गाइस। जब भी मैं इनको पहनता हूँ हर चीज एकदम, मतलब प्रॉपर साउंड कहते हैं ना गाइस, एकदम प्रॉपर साउंड सुनाई देते हैं गाइस। अगर आपको भी ये हेडफोन्स खरीदने हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दिया जाएगा, कुछ आपको ये 8,000 के अराउंड पड़ जाएंगे, ठीक है? और काफी तगड़े हेडफोन है गाइस, सच बता रहा हूँ, बहुत सही हेडफोन है। तो गाइस ये रहा वो हेडफोन जो मेरा फोन से कनेक्ट रहता है, इसका नाम है एक्सा का E900, काफी अच्छा है गाइस। कलर वाइज देखा जाए, लुक्स वाइज देखा जाए तो काफी अच्छा लगता है, ऐसा लगता है पूरा गेमिंग हेडसेट है। पर जब ये एलगाटो से गाइस जब कनेक्ट होता है तो उसके बाद इसका थोड़ा साउंड क्वालिटी ना थोड़ा सा गिर जाता है। अगर इसको हम डायरेक्ट फोन से कनेक्ट करें
तो काफ़ी अच्छा साउंड देता है गाइस, बहुत अच्छा। पर मेरे फ़ोन में इसका वायर नहीं कनेक्ट हो सकता डायरेक्ट, तो इस वजह से इसको डायरेक्ट कनेक्ट नहीं करते हैं, एलगाटो से कनेक्ट करते हैं। पर वैसे बहुत अच्छा हेडफोन है गाइस, अगर आप लोगों को खरीदना है तो आप लोग खरीद सकते हैं। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, और ये कुछ आपको अराउंड पड़ जाएगा, कुछ 2000 तक का पड़ जाएगा ये आपको। अच्छा हेडफोन है, अगर खरीदना चाहो बजट में, अगर लेना चाहते हो कुछ, तो ये काफ़ी बेस्ट हेडफोन है अगर आपको लेना है तो। ठीक है गाइस, तो गाइस ये रहा सबका चहेता, स्काउट का सबसे प्यारा चीज, दुनिया की सबसे अच्छी चीज गाइस, एलगाटो। एलगाटो का ये HD60S गाइस, ये ही है वो चीज जिससे फोन की गेमें पीसी पे जाती है, ठीक है, और अपलोड होती है। मैंने जब पबजी खेलना चालू करा था तो मैंने ये चीज खरीदी थी, इसीलिए खरीदी थी ताकि मैं पबजी का स्ट्रीम कर सकूं। बट क्या हुआ है कि पबजी हो गया बैन, और अब ये ऐसे ही बेचारा ऐसे ही पड़ा रहता है, इसका कुछ नहीं है काम, बस ऐसे ही पड़ा रहता है और कुछ नहीं करता है। तो काफी अच्छी चीज है गाइस, पर ये अगर आपको खरीदनी है तो खरीद सकते हैं, कुछ 15,500 से 16,000 तक का पड़ेगा आपको ये। और काफी अच्छा परफॉर्मेंस तो नहीं कहूंगा, क्योंकि मेरे में भी बहुत सारी दिक्कतें आई हैं जब भी मैंने इसको यूज करा है, बहुत खराब चलता है कभी कभी, तो मतलब मन करता है पटक दो, पर क्या करें, काफी हेल्प भी करता है। जब से स्ट्रीम कर रहा हूँ तब से बहुत टाइम तक इसने हेल्प करी है, जब से फोन से स्ट्रीम कर रहा हूँ तब तक बहुत टाइम चला गई, और अभी भी चलता है। कोई भी गेम अगर खेलनी होती है तो इससे खेलता हूँ, अगर जो फोन की होती है। अब जैसे 4G भी आने वाली है तो इसी से स्ट्रीम होगी गाइज, तो काफी अच्छा है गाइज, आपको भी अगर परचेज करना है आप भी कर सकते हैं। और गाइज एक चीज वो जो मेरी आवाज को एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाती है, मतलब अगर मेरी आवाज यहाँ है तो वो यहाँ लेके जाएगी, उस चीज का नाम है ये, पहले दिखा देते हैं क्या है वो चीज, देख लीजिए। साउंड कार्ड है गाइज ये स्कारलेट सोलो 3rd जनरेशन, ये कुछ अराउंड 13K का है, और गाइज ये ऑडियो को लेके जाता है, आप तक पहुंचाता है ये पूरी ऑडियो को, और इसकी जो क्लियरिटी है ना गाइज क्या ही बोलूं भाई, मतलब ये नेक्स्ट लेवल चीज है गाइज, इसी की वजह से बहुत अच्छा साउंड आता है मेरा। आप लोगों को जो भी गाना मेरा पसंद आता है इसी की वजह से आता है, वरना आप लोगों को मेरा कोई गाना पसंद नहीं आएगा शायद। बहुत अच्छा साउंड, अच्छा बहुत ही साउंड अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो इसी को अगर आप लोगों को खरीदना है तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा गाइज, इस साउंड कार्ड का भी। स्कारलेट सोलो 3rd जनरेशन है गाइज, कुछ आपको 13K तक का पड़ जाएगा ये, तो गाइज अगर आपको पसंद हो तो जरूर आप भी मंगा सकते हैं इसको। तो ये है गाइज वो चीज़ जिससे मेरी मूवमेंट काफी फास्ट होती है, मैं काफी अच्छे से खेल पाता हूँ इन्हीं चीजों की वजह से। ये दो जो चीजें हैं गाइज, इन्हीं चीजों की वजह से मैं अच्छे से खेल पाता हूँ। ये ज़ेबोनिक्स का कॉम्बो है, ये कीबोर्ड भी मिलेगा आपको उसके साथ, और एक ये माउस भी मिलेगा गाइज। इसमें लाइट्स हैं गाइज, आप देख सकते हैं काफी अलग तरीके से अट्रैक्टिव लगते हैं गाइज, काफी ऐसा लगता है कि गेमिंग के लिए बना है स्पेशली। और काफी अच्छी कीज हैं गाइज, जैसे देखो आवाज भी आती है इनमें से जब हम इनको टैप करते हैं, तो इससे गाइज काफी मूवमेंट फास्ट होती है, काफी अच्छा है गाइज कीबोर्ड तो। और गाइज माउस थोड़ा हल्का है, पर इससे मूवमेंट काफी फास्ट हो जाती है, बहुत हल्का माउस है। और देखा जाए तो इसमें करीबन 1, 2, 3, 4 से 5 बटन है गाइज, 2 बटन यहाँ पे साइड में भी है, बैक बैक करने के काम आते हैं, कुछ कोई भी चीज लगा सकते हो आप इसमें, स्विच करने के लिए, गन को स्विच करने के लिए, और ये जो मिडल माउस है, और ये फायर के लिए, और ये एम के लिए गाइज। और अगर आप लोगों को ये खरीदना है तो आपका ये भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, और ये कुछ अराउंड आपको 1200 से 1500 तक के बीच में पड़ जाएंगे, काफी अच्छे हैं, आप भी ले सकते हैं, और काफी अच्छा प्राइस है इनका, मतलब बजट फ्रेंडली है गाइस, आप भी ले सकते हैं। मेरे पास एक राउटर है, ये रहा टेंडा का, ये ब्लैक वाला, काफी स्टाइलिश लग रहा है गाइस, पूरा CPU से मिलता है। इसका नाम है टेंडा का AC10, काफी अच्छा ऑर्डर है गाइस, कुछ आपको 2 से 3 हजार तक का पड़ जाएगा, और काफी अच्छा स्पीड पकड़ता है, काफी बढ़िया चलता है, और दिखने में तो आप लोग देख ही सकते हैं, मतलब बीस्ट लगता है गाइस एकदम, मतलब मेरे CPU से तो बहुत तगड़ा ही तरीके से मैच करता है। और अगर आपको ये भी खरीदना है तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। और गाइस एक ये राउटर है, ये Huawei का है गाइस, ये कंपनी फिटेड है इसलिए मेरे को इसका प्राइस नहीं पता है कितने का है, ठीक है। और ये सिर्फ होम यूज के लिए है गाइस, नॉर्मल यूज के लिए, स्ट्रीमिंग के लिए अपना वही टेंडा का यूज होता है, और ये नॉर्मल यूज के लिए है गाइस। और अगर आपको ये तो मैं बता ही नहीं सकता इसका प्राइस, तो इसको छोड़ ही देते हैं, तो आप चलते हैं नेक्स्ट चीज पे, आ जाइए। और आइए गाइस देखिए कि मेरा बैकग्राउंड में सारी गेम्स कैसे चल रही होती है, आप लोग सोच रहे होंगे ना कि मेरा पीछे ये क्या दिखाई देता है, तो गाइस वो इस वजह से, ये गाइस ये ग्रीन स्क्रीन है, इसको एक पर्दा टाइप समझ सकते हो। और ये कुछ मेरे को इसका रेट नहीं पता गाइस, आप कोई भी ले सकते हो अमेजोन से, किसी भी टाइप की ले सकते हो, रेट मेरे को पता है मतलब, पर ब्रांड नहीं पता, ब्रांड याद नहीं है, कोई भी ले सकते हो आप। कुछ मेरे को पड़ी 500 से 600 तक की, और जो इसका स्टैंड है ये कुछ 1500 तक का होगा गाइस। तो ये गाइस ये स्टैंड है, इस पे खड़ा रहता है ये स्क्रीन, इसी वजह से आप जो पीछे का बैकग्राउंड है वो सारी गेमें चल रही होती है, और मैं सिर्फ मैं ही दिखता हूँ और कुछ नहीं दिखाई देता, तो यही रीजन है। तो आइए गाइस आप लोगों को दिखाता हूँ कि मेरे चेहरे पे संतूर वाला कैसा ग्लो रहता है, कैसे रहता है, देखो रीजन दिखाता हूँ मैं आपको।
इस वजह से गाइस ये जो लाइट है गाइस एलईडी लाइट है, कोई लोकल कंपनी की है और आप देख सकते हैं काफी अच्छा रोशनी दे रही है। इसको बढ़ा भी सकता हूँ, कम भी कर सकता हूँ। और गाइस दो टाइप का कलर देती है ये एलईडी, एक येलो भी देती है और व्हाइट भी देती है। तो मैं व्हाइट रखता हूँ गाइस क्योंकि ये नेचुरल कलर दिखाता है हमारा जो भी है। और इसके आगे ये अम्ब्रेला इसलिए लगाया हुआ है कि एकदम मैं सूरज जैसा ना चमकू, मेन रीजन ये है कि मेरे को सूरज जैसा नहीं चमकना है, इस वजह से ये लगा रखा है अम्ब्रेला। और गाइस इसका प्राइस आपको एक टोटल आपको कुछ पड़ेगा 3,500 तक का पड़ जाना चाहिए पूरा टोटल। तो आप किसी भी मार्केट से परचेज कर सकते हैं जहाँ पे ये सब चीजें मिलती हैं। तो गाइस यही रीजन है मेरे हैंडसम चेहरे का जब भी आप लोग देखते हैं, और जिसने अगर इसको हैंडसम नहीं बोला क्या कर सकते भाई, नहीं हैंडसम। तो गाइस कैसा लगा सेटअप टूर? अगर पसंद आया तो लाइक कर देना और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कैसा लगा, क्योंकि गाइस इतनी सारी चीजें। और पहली बात, एक और चीज बता देता हूँ, ये सब चीजें मेरी नहीं है, मेरे बड़े भैया की है, उनने अपने लिए खरीदा था ये सब कुछ क्योंकि वो रिकॉर्डिंग वगैरह करते थे। तो बिल्कुल मत समझना कि ये सारी चीजें मेरे लिए। तो अभी जब हम दोबारा से, अब मैं सोच रहा हूँ कि पीसी अपग्रेड कराऊं गाइस, तो कुछ दिनों में अपग्रेड करवाने का सोच रहा हूँ, देखते हैं कि क्या क्या चीजें नहीं लानी चाहिए, क्या क्या नहीं लानी चाहिए, ठीक है। और तो उसका एक व्लॉग शूट करने का सोच रहा हूँ गाइस मैं, तो एक व्लॉग वीडियो भी आने वाली है कुछ दिनों में ही, और अगर मैं जाऊँगा तब, ठीक है। और उसका पूरा सेटअप टूर जो भी होगा ना गाइस, जो भी होगा वो 25,000 सब्सक्राइबर या 50,000 सब्सक्राइबर पर जरूर डाल देंगे, ठीक है। और गाइस अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक मार दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा पसंद आए कि नहीं, ठीक है। और कैसी कैसी वीडियोज और लानी चाहिए अपने चैनल पे वो भी बता दीजिएगा, ठीक है गाइस। बाय बाय, ठीक है, चलो मिलते हैं, टाटा, बाय बाय, खत्म हो गया।